Hi friends, welcome on our YouTube channel Career Tutor. So today I came with new topic and the topic is very interesting. I hope you will learn a lot through this video. चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ कि सात साल में सात स्वर्ण यानी कि मैं बात कर रहा हूँ, आप जान चुके होंगे नीरज चोपड़ा जी के बारे में। और नीरज चोपड़ा जी क्या हैं हम सभी भलीभांति जानते हैं, जेवेलियन स्टार नीरज चोपड़ा। अगर आपको याद है या नहीं है या आपने जाना है या नहीं जाना है, मैं आपको बता देता हूँ। इनका जो पहला जो जेवेलियन थ्रोवर था उसको इन्होंने 7,000 रुपीज़ के अंदर इनके फादर ने गिफ्ट किया और आज ये पूरी दुनिया के अंदर एक स्टार बन चुके हैं। 7 साल में 7 स्वर्ण, इसका स्टॉकहोम डायमंड लीग, दोहा डायमंड लीग, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियन, एशियन गेम्स, लुसान डायमंड लीग, टोक्यो ओलंपिक, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, यानी कि ये 7 के 7 गेम्स के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये कोई आसान काम नहीं है, ये इतना आसान काम नहीं है। ये कहने को तो 7 साल में 7 स्वर्ण पदक हैं, मगर इनके पीछे ऐसी क्या चीज़ है कि इन्होंने 7 साल में 7 स्वर्ण पदक जीते। इनके पीछे इनका समर्पण और त्याग, अनुशासन, कठिन अभ्यास से तपना। इन्होंने समर्पण किया, त्याग किया, अनुशासन में रहे, कठिन अभ्यास से तप करके इन्होंने 7 साल में 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। 7 साल में 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। और अगर मैं इनके अंदर क्वालिटीज़ की बात करूँ तो मैंने पाया है, जब मैंने इसके बारे में इनकी बायोग्राफी को पढ़ा तो मुझे पाया कि 3 मैन क्वालिटीज़ इन नीरज चोपड़ा। द फर्स्ट क्वालिटी इज थ्रोवर में स्पीड, इनकी फेंकने में स्पीड इतनी ज़्यादा है कि ये इस बंदे के मुकाबले में कोई बंदा टिक ही नहीं सकता, तभी तो इन्होंने 7 साल में 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट पावर इतनी बंदे के अंदर ज़बरदस्त है कि इन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि नीरज चोपड़ा से ज़्यादा पावरफुल इंसान कोई नहीं है। थर्ड क्वालिटी फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन इतना अच्छा है, लचीलापन, थ्रोवर में स्पीड एंड पावर, तीनों की तीनों क्वालिटी नीरज चोपड़ा जी के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, तभी तो इन्होंने 88.17 मीटर में इन्होंने थ्रोवर को, भाले को फेंका है। 88.17 मीटर के अंदर इसको फेंकना भाले को आसान नहीं है, तभी तो इन्होंने सर्वश्रेष्ठ भारतीय का खिताब भी जीता है। सेक्रीफाइस डिसिप्लिन हार्डवर्क, देखिए असफलताएं हर इंसान के जीवन में आती हैं और इनके भी जीवन में असफलताएं आई हैं। किसी ने कहा है कि असफलता हमें क्या सिखाती है, किसी ने मुझसे पूछा कि असफलता हमें जीवन में क्या सिखाती है, धैर्य, माइंडफुलनेस, यानी उस क्षण में रहकर शिद्दत से लक्ष्य पर काम करना, यानी कि असफलता से हम सीख सकते हैं धैर्य, माइंडफुलनेस, या उस क्षण में रहकर शिद्दत से लक्ष्य पर काम करना, यही हमें असफलता सिखाती है। असफलता हमारे जीवन में क्या बिगाड़ सकती है, मगर हम एक बार असफल हो जाते हैं तो जिंदगी में सब कुछ जिंदगी में लूटा सा फील करते हैं अपने आप को। हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ छिन गया है, ऐसा नहीं है। क्या नीरज चोपड़ा जी के जीवन में कभी उतार और चढ़ाव नहीं आए? अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, एंड ए ग्रेट मैन ऑलवेज ओवरकम द अप्स एंड डाउन्स एंड ओनली फोकस ऑन हिज गोल। अपने लक्ष्य के ऊपर टिक करके, जो लक्ष्य भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जीत उसी की ही रही, सच तुम नहीं, सच हम नहीं, सच है महज संघर्षी। लक्ष्य को भूलने वाला कभी लक्ष्य के ऊपर पहुंचा नहीं, लक्ष्य को भूल करके काम करने वाला कभी जिंदगी में उस लक्ष्य के ऊपर पहुंचा नहीं। जो लक्ष्य भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जीत उसी की ही रही, सच तुम नहीं, सच हम नहीं, सच है महज संघर्षी। लक्ष्य के ऊपर टिक करके उस पर लगातार कठिन अभ्यास और परिश्रम के साथ आगे बढ़ने से ही जिंदगी में सफलताएं मिलती। शिकायतें करके हम जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकते, शिकायतें करके हम जिंदगी में तभी कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसलिए आपकी ज़िंदगी में जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जो कुछ भी है, उसको भूल करके आप जिंदगी में आगे बढ़ें।
क्योंकि शिकायतें हमें ज़िंदगी में कमज़ोर बनाती हैं, हमें पीछे धकेलती हैं। आपको ज़िंदगी में जो काम पसंद है, आपको ज़िंदगी में जो भी काम पसंद है उसे आप शिद्दत से करते रहिए, उसके ऊपर आप डिसिप्लिन में उसको करते रहिए। यानी कि आपको ज़िंदगी में जो कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी पसंद है, अगर आपको खेल में अच्छे हैं तो खेल कीजिए, आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो पढ़ाई कीजिए, आप अच्छे डांसर हैं तो आप डांसिंग कीजिए, अच्छे आप सिंगर हैं तो अच्छे आप सिंगिंग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अगर आप अच्छे पेंटर हैं तो अच्छी पेंटिंग कीजिए। यानी कि आपको जो कुछ भी ज़िंदगी में पसंद है आप उसके ऊपर जी जान से मेहनत कीजिए, सफलता आपके कदमों में होगी। आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोग और पेरेंट्स न चाहते हुए भी पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो इसे करने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में आपके पास हजारों लाखों स्कोप हैं, आप जहाँ चाहें वहाँ राह बना सकते हैं। ऐसा कहा भी गया है कि देर इज ए विल देर इज ए वे, जहाँ चाह वहाँ राह। नीरज चोपड़ा जी मैंने सुना है ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर वो पढ़े लिखों को पीछे छोड़ गए हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम कोई चीज़ दिल से करते हैं तो हमारी 100% ऊर्जा उस काम को करने में लग जाती है। जब हम कोई चीज़ दिल से करते हैं तो हमारी 100% ऊर्जा उस काम को करने में लग जाती है, और जब हम दिल से नहीं करते हैं तो हमारी सिर्फ 40% ऊर्जा ही उस काम में लगती है, सिर्फ 40%। तो दिल से करोगे तो तुम्हारी जो 60% एनर्जी जो लेफ्ट है, जो आपकी 60% एनर्जी जो लेफ्ट है इसका इस्तेमाल करना है, तो तुम्हें दिल से जो आपका दिल चाहता है वो काम करना होगा। वरना तो आपको कामयाबी 40% में क्या कामयाबी ले लोगे? 40% आपकी ऊर्जा जहाँ पर काम करेगी और 60% तो आप यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कामयाबी कहाँ से मिलेगी? मिलेगी भी, अगर कामयाब हो भी गई तो छोटी मोटी सफलता होगी, इसका कोई वजूद नहीं है इस दुनिया के अंदर, आज 21वीं सदी के अंदर। अगर आपको 40+60 अगर आपको दोनों का प्रेस करना है तो आपको जो दिल चाहे उस काम को कीजिए। आपको सुनने में तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, आप थोड़े से परेशान हो जाओगे, मगर सच्चाई साइंटिफिक रिसर्च तो यही कहती है, अगर आप जो काम दिल से करते हैं वहाँ पर आपकी 100% ऊर्जा इस्तेमाल होती है। तो ये आपके हाथ में है, आप दिल से करते हैं या फिर आप दिमाग से करते हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको कम्फर्ट जोन से बाहर निकल कर आपको अनकम्फर्ट जोन में जाना होगा। अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है कंफर्ट जोन को तोड़ करके बाहर निकलना होगा। इस कंफर्ट जोन जो है, ये जो कंफर्ट जोन है, इसको बाहर निकल के आपको अनकंफर्ट जोन में जाना होगा। अनकंफर्ट जोन में जहाँ पर आपको डर लगेगा, भय होगा, चिंताएं होगी, मगर यही अनकंफर्ट जोन आपको ज़िंदगी में ऊंचाइयों के ऊपर लेके जाएगा। नीरज चोपड़ा जी आज दुनिया के सबसे बड़े स्टार जेवलिन थ्रोवर कैसे बने हैं? क्योंकि वो अनकंफर्ट जोन में जिए, उन्होंने अनकंफर्ट जोन में मेहनत की, उन्होंने अनकंफर्ट जोन में। ये नीरज चोपड़ा कभी रातों रात स्टार नहीं बने, नीरज चोपड़ा रातों रात में स्टार नहीं बन गई। लोग रातों रात स्टार बनना चाहते हैं, लोग रातों रात सफलता चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। कभी रातों में, कभी एक आध रात में कोई स्टार बना है, मगर ये दुनिया बड़ी पागलपंथी की ओर जा रही है। लोग एक रात में स्टार बनना चाहते हैं, ऐसा ना करें। एक रात की सफलता बनी हुई, एक रात में सफल हुआ इंसान एक रात में धरती के निचले पड़ाव में भी जा सकता है। इसलिए अगर आपको कामयाबी की ऊंचाइयों पे जाना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, वरना तो गिर जाओगे और हड्डी फसली टूट जाएगी। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। शॉर्टकट जिंदगी में सफलता की कभी ऊंचाइयों तक नहीं ले जा सकते, जिंदगी में शॉर्टकट कभी ऊंचाइयों पर नहीं ले जा सकता। अगर आपको असली ऊंचाई पर पहुंचना है, अगर आपको जिंदगी में नीरज चोपड़ा जैसा स्टार बनना है, तो आपको शॉर्टकट छोड़ना होगा और आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स वेट लिफ्टिंग की तरह होती हैं, जब हम वेट लिफ्टिंग करते हैं तो हम जैसे जैसे वेट को उठाते हैं, हम जैसे जैसे पावरफुल होते हैं उतना ही वेट उठाते हैं। वैसे ही अगर आप जिंदगी में जितना ज़्यादा वेट उठाते हैं उतने बड़ा आप वेट लिफ्टर बनते हैं। जैसे जैसे आप प्रॉब्लम्स को डील करना सीखेंगे, जैसे जैसे आप जिंदगी में कुछ चीज़ों को फेस करना सीखेंगे, वैसे वैसे आप जिंदगी में एक मजबूत इंसान बनेंगे। कोटा के अंदर आज छोटे छोटे बच्चे जिनकी ज़िंदगी शुरुआत में नहीं हुई और उसमें लोग सुसाइड करते जा रहे हैं, उनके ऊपर एजुकेशन का इतना प्रेशर है।
लोग अपने जीवन से थक चुके हैं, ऐसा ना करें। जिंदगी में अगर आपको किसी एक काम में आपका मन नहीं लग रहा है, अगर आप उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं तो उसको छोड़ दें, मगर जो काम आपका दिल चाहे, दिल चाह रहा है, उस काम को करिए, आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम जस्ट कुछ ही महीनों बाद हमारे सामने आने वाला है, और जो भी बच्चा प्रोफेसर बनना चाहता है या भविष्य में एक अच्छी सैलरी पे जॉब करना चाहता है, यू कैन बिकम ए प्रोफेसर, इट इज़ ए गुड जॉब। बट इसके लिए आपको नीरज चोपड़ा जी की तरह समर्पण और त्याग, अनुशासन, कठिन अभ्यास से आपको गुजरना होगा, यानी कि सेक्रीफाइस करना होगा, आपको डिसिप्लिन में रहना होगा और हार्ड वर्क करना होगा। बहुत सारे लोग यूजीसी नेट में कई 7 बार फेल हो चुके हैं। यूजीसी नेट में बोलते हैं कि हमने तो 7 बार दिया और 7 बार फेल हो गई, अब हम क्या करें। अरे नीरज चोपड़ा जी से सीखिए, इन्होंने 7 साल में 7 स्वर्ण पदक जीते, हमारा तो साल में यूजीसी नेट का 2 बार एग्जाम होता है, हम तो 7 साल में 14 बार नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर हम 7 साल में 14 बार नेट क्वालिफाई कर दें तो दुनिया की ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी, हिंदुस्तान की ऐसा कौन सा कॉलेज है जहां पर आपको जॉब नहीं मिलेगी। हरियाणा में भी अभी 3800 के लगभग 3800 वैकेंसी जॉब प्रोफेसर की वैकेंसी निकलने वाली हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम ए प्रोफेसर, सो यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू क्रैक यूजीसी नेट एग्जाम। विदाउट नेट एग्जाम यू कांट बिकम ए प्रोफेसर। तो आज रक्षाबंधन के अवसर पर मैं आपको कैरियर ट्यूटर प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आप, मुझे पूरा यकीन है, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक भी करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप भी नीरज चोपड़ा जी के जीवन से कुछ सीखें, और मैंने तो सच बताता हूं बहुत कुछ सीखा है। मैं तो 2-3 दिन से इसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहा था, और आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों तक भी नीरज चोपड़ा जी के अच्छे व्यक्तित्व को आप लोगों तक पहुँचाया जाए, और मैंने आज अपनी तरफ से मेरा काम कर दिया है। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है, हमारी ज़िंदगी में हमारे जो डिसीजन होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि हम ज़िंदगी में सफल होंगे या असफल होंगे। तो नीरज चोपड़ा जी की ये कहानी है असफलता से सफलता की ओर, और नीरज चोपड़ा जी ये तो अभी शुरुआत है, न जाने और कितने सारे मेडल्स हमारे देश के नाम करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप भी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को फोकस करें, और यूजीसी नेट का एग्ज़ाम करके प्रोफेसर बने। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप लोगों का।